मेरे तो बाल उखड़े हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इतने दिनों से हम बात कर रहे थे कि घर वाले आ रहे, घर वाले आ रहे, घर साफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फाइनली घर भी ऑलमोस्ट बहुत बेटर कंडीशन में है और फाइनली आज घर वाले आ रहे हैं। तो वैसे तो उनकी फ्लाइट है अभी इंडिया में, थोड़ी देर में है, दोपहर हो गई है वहां। हम तो अभी उठे हैं, बस चाय वाय चल रही है, शाम को आएंगे वो लोग। और ब्रेड भी बट चल रही उनके, है। हाँ ब्रेड, बट उनकी तैयारियां करनी है। आज सुपर मार्केट जाना है, खाना वाना बनाना है और उनके लिए गद्दे वद्दे लगाने हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड है, फाइनली मेरी फैमिली आ रही है। अभी तक बोर्डिंग हुई नहीं हाँ, है। उन्होंने आना था पहले भी, लेकिन जब लास्ट टाइम उन्होंने आना था तो कोरोना हो गया था, और लाइक जब वीजा अपॉइंटमेंट था उसके 2 दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया, तो आना ही कैंसिल हो गया। बट अब आ रहे हैं, सो आई एम देख, एक्साइटेड, लेट्स सी कैसा रहता है। आपको अभी भी, मिलवाते हैं। अभी मुझे ऐसे पहले आ जाए। मैं हाँ तो लाइन में लगता हूँ, हल्दीराम का काउंटर देता हूँ, ठीक है? वहां पे पूछ ले सुन कमल किसी को कि कहां पे है हल्दीराम का हाँ काउंटर, हाँ पूछ रहा हूँ, हाँ पूछता कोई हूँ। भी। ये और गेट नंबर 8 के पास से बताया था एक दो समय में। अच्छा, और ये बोर्डिंग कितने बजे? अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी, लाइन लगी होगी बस। नहीं, हाँ, लाइन लगी है, हाँ लाइन लगी है। ये एक प्राणी है घर में जो बस यहीं पाया। ये एक प्राणी है हमारे घर में जो बस यहीं पाया जाता है। लाओ, मेरे को पर्यावरण के हिसाब से कुछ मिल सकता है क्या? मैं कब से कह रही हूँ चलो वॉक करने, चलो वॉक करने। और सचिन ऐसे दिन कैसे आ गए, स्वेटर कैसे पहन ली समर में। थोड़ी सी जुकाम लग गई है। सचिन ने जोश में जैसे ही समर आई बनियान में घूमना चालू कर दिया, स्वेटर के दिन आ गए। सचिन क्या मिल गया? जर्मनी में भी पड़े पैसे मिल गए भाई, 1 सेंट। कितनी होगी इसकी वैल्यू? 8 रुपए? नहीं, तो 1 यूरो में 100 सेंट, हाँ 80 रुपए के आसपास चल रही है। हाँ 1 रुपए से भी थोड़ी सी कम। अच्छा 1 ही रुपए? मैं कहा 8 रुपए बोली। नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 1 रुपए से 10 सेंट होता तो 8 रुपए होता। 80 सेंट हो गई, 80 पैसे। 80 पैसे मिल गए। क्या आएगा 80 पैसे इतनी में? हो रही, 80 पैसे मिल गए आपको, क्या कीजिएगा इतने धनराशि का महाराज? वही तो, क्या क्या कीजिएगा? कीजिएगा? हम इसका वीडियो बनाइएगा। संभाल के रख लो इसको, लक्ष्मी आई है घर पे। क्या बात है, सचिन को बस समझ नहीं आ रहा ससुराल वालों का स्वागत कैसे करूं। मैं शिल्पा को बोल रहा हूँ कि इंडिया में जैसे अपन नहीं करते हाँ भाई ये ले आए वो ले आए, अब यहाँ तो अभी खुद से बनाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट से क्या क्या ला सकते हैं। तो शिल्पा कुछ आइडिया नहीं दे रही है कि भाई भाई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बहन आ रही है, पापा आ रहे हैं, कुछ करो, कुछ प्लानिंग करो यार। आप बताओ। एक तो वो बोर्ड लिख लेते हैं वेलकम टू जर्मनी वाला। हाँ फाइनली फाइनली वेलकम टू जर्मनी। हाँ और कुछ डिनर बना लेते हैं, मतलब वो तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसमें तो मैं सोच रही हूँ चावल उबाल के मटर डाल दूँ। वाह बेटे वाह वाह वाह। और बाकी अगर समझ में आता है तो आपके साथ दिन में शेयर करते हैं कि कुछ प्लानिंग कैसी करी हमने। हाँ। गाड़ी को धुलवा लेता हूँ एक्चुअली। हाँ गाड़ी धुलवा लो ताकि मेरी गाड़ी की तारीफ होनी चाहिए। गाड़ी की तारीफ नहीं, मतलब यार एक इंडिया में भी होता है ना, आप किसी के मिलने जाते हो, थोड़ी सी ऐसे कपड़ा वपड़ा मारते हो, साफ करते हो, तो बंदों के लिए तो यही है, गाड़ी हो गया, म्यूजिक हो गया, बाइकें हो गई, यही है हमारे लिए तो फन, कोई गेम वेम खेल लो। गाइस ये पीछे DHL की गाड़ी आ रखी है, ये डिलीवरी वाले अंकल का बहुत स्वैग है, अगर आप इनका दरवाजा 1 सेकंड में नहीं खोलते ना, बहुत गुस्सा होते हैं ये। चले जाते हैं वापस। और कोई क्या हुआ भाई? हाँ। जल्दी बोला करो। 1 सेकंड में तुम लोग दरवाजा कैसे नहीं खोल सकते, मतलब तुम क्या घर के उस कॉर्नर में थे, दरवाजे के पास ही क्यों नहीं खड़े रहते? इसको ना स्पेस एक्स की स्पीड से चाहिए बंदा। वहां से नीचे घंटी बजाए, बंदा शुड रिस्पॉन्ड। हाँ हम लोग लिटरली लाइक डरते हैं, अरे अरे DHL जाएगा आज, ऑर्डर वो अंकल आएंगे, चलो खोलो। ये लॉन्ग फ्लाइट्स का वेट करना इतना मुश्किल लगता है ना, यूजुअली हम लोग ही जाते हैं हमेशा इंडिया, इस बार वो लोग आ रहे तो एकदम ऐसे लग रहा है ओहो 4 घंटे हुए हैं अभी तो, कब लैंड करेंगे कब लैंड करेंगे। एकदम हम सोच रहे हैं कि जब हम जाते होंगे तो उनको भी कितना रहता होगा, कब आएंगे कब आएंगे। खाना तो बहुत अच्छा बना है लेकिन मेरे जाड़ का दर्द आ रखा है, चबाने को नहीं हो रहा है। हर साल ये जाड़ का दर्द आ जाता है, वो विजडम टीथ जो नहीं होते, बोलते हैं विजडम टीथ आएगा, 10 साल हो गए ना। सबको पता है विजडम टीथ क्या होते हैं? वही तो, विजडम टीथ वाला होते दर्द हैं, वो विजडम टीथ होते हैं, रेफरेंस देखिए आप। लेकिन 10 साल हो गए ना, विजडम आ रही ना टीथ आ रहा, बस दर्द आ रहा है जिंदगी में। ये सबको नहीं पता है कि आपकी विजडम आई है। दिस गुड गाइस, मेरा खाना ब्रेड, शिल्पा ने रोटी बनाई है। सचिन इतने अच्छे हस्बैंड है, शिल्पा तुम थको नहीं इसलिए सिर्फ तुम अपनी रोटी बना लो, मैं नहीं, ब्रेड खा लूंगा।
दोनों रीजन है, ब्रेड अच्छी भी लगती है, जर्मनी ब्रेड के लिए फेमस है। आई डोंट लाइक ब्रेड, मुझे अपनी रोटी चाहिए होती है, मुझे अच्छी लगती है, चलता है। आपको सब चलता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्रेफरेंसेस है मेरी भी। He's not a fussy eater. ऐसा नहीं है, हमारे भी शौक है। आपके सिर्फ हलवे के और खीर के और मिठाई के शौक? मिठाइयों की, मिठाई बहुत अच्छी लगती है यार। इंडिया में कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलती है, शादियों में जाओ, दुकान पे जाओ, मिठाई वाला घर ही लस्सी भेज दे रहा है, भैया समोसे ही भेज दो क्या साथ में, वो कलाकंद घेवर। बस बस बस, ओके ओके ओके, जयपुर पहुंच गया मैं तो। हो गया, दो घंटे और बचे हैं उनके आने में, तो एकदम तैयारियां अब तो एकदम हो ही चुकी है फाइनल। बस मुझे उनके लिए डिनर बनाना है, वो हम एयरपोर्ट निकलने से पहले बनाएंगे। और बाकी नहाई नहाई कर लिए मैंने, सचिन ने बहुत ज्यादा पोचे वोचे लगाए हैं, सचिन स्टिल हैज टू टेक शावर, और उसके पहले सचिन को सुपरमार्केट भी जाना है। सचिन आर यू एक्साइटेड? हाँ बहुत बिजी हो? यस आई एम एक्साइटेड। जितने एक्साइटेड आप रियल में हो उतने वीडियो में नहीं लग पा रहे हो। आर यू बिजी सचिन? यस ओके गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ उनका स्टेटस कितना है, वो पराग पे पहुंचेगी अभी, अभी म्यूनिक के ऊपर से उड़ रहे हैं। मैं अभी नेट पे चेक करता हूँ कि क्या उनके स्टेटस, शिल्पा देखें क्या उनकी फ्लाइट का स्टेटस। ज्यादा एक्साइटेड हो गए, चल ऐसे दिखता है, हाँ हाँ लाइव फ्लाइट, ऐसे नॉट लाइव, उड़ती भी नहीं दिखेगी बट जीपीएस की तरह दिखेगी। चलो देखते हैं, चेक। 5:30 के आसपास हो गया ऑलरेडी और 6:40 पे उनकी फ्लाइट की लैंडिंग है, तो हमको जाने में भी लगेगा आधे घंटा। और सचिन अब गए हैं सुपरमार्केट, बट होपफुली जल्दी से आ जाएंगे। मैंने खाना वाना चढ़ा दिया, अब मेरे पास आई थिंक सचिन को आधा घंटा 40 मिनट तो लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर लेती हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल गई ऐसे टेप की तरह, बट एनीवे गाइस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। सचिन अभी तक सुपरमार्केट से नहीं आया, उन लोग की फ्लाइट लैंड होने का टाइम हो गया, तो पूछती हूँ सचिन से कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन जैसे ही हो जाएगा वैसे वो लोग बाहर आ जाएंगे, सो वी नीड टू लीव। तो मैंने अभी जस्ट नाउ स्टेटस चेक किया और फ्लाइट लैंड हो चुकी है, ये कांट वेट, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। हाँ जी जल्दी चलो। अरे मैंने भी देखी थी, बहुत कोशिश करी मटर ढूंढने की साले के लिए। फाइनली मटर मिल गया, मटर पुलाव के लिए, नॉट मटर पुलाव, मटर पुलाव। इसका राज आपको आगे देखने को मिलेगा। हाँ और क्या क्या लिया है? और चलो जो भी है जल्दी जल्दी लगाओ फ्रिज में, फिर निकलना है। लगाने का कपड़े भी चेंज करोगे क्या? कपड़े वपड़े भी हो ही जाएंगे थोड़े बहुत चेंज। ओके okay. क्या लास्ट मिनट तैयारियां चल रही है, पेपर ढूंढे जा रहे हैं वेलकम लिखने के लिए, कोई बलून बलून नहीं ले आते, एकदम सस्ता जुगाड़ कर रहे हो। छोटे बच्चे जो बलून लाओ। जल्दी ढूंढो, मुझे लग रहा है कोई पेपर भी नहीं मिलेगा, लिख लो जो भी है। सुंदर हैंड राइटिंग आपकी है। लिख दो फिर वेलकम टू, बीच में लिख के जर्मन लिख दो। हाँ टू छोटा सा लिख देना, और वेलकम में सब कैपिटल में लिखूं स्मॉल में? सब बड़ा सब कैपिटल में लिख दो। नहीं स्मॉल इज सुंदर। अभी तो पता अभी भी ठीक ही है। शिल्पा कुछ बना रही है, इसको सुंदरता के कुछ काम कर रही है। हाँ ये ऐसे होती है कि सुंदरता कुछ तो हुआ, लास्ट मिनट ये ही सुंदर नजारे इधर है। पेपर की सुंदरता देखनी है तो ये है। तो उन लोगों का मैसेज आ गया कि इमिग्रेशन उनका ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अब हम निकल गए घर से, क्योंकि हमारे घर से बहुत पास है एयरपोर्ट, तो जब तक वो बाहर आएंगे तब तक हम पहुंच जाएंगे। दिखाओ वेलकम टू जर्मनी, उल्टा दिख रहा है बट अच्छा है। सचिन ने अपनी गाड़ी भी धुलवा के एकदम चकाचक करवा ली है। इम्प्रेशन सचिन को खुद का नहीं गाड़ी का बनाना, खुद तो वही पुराने। अरे ये चीज ना मैंने मेरे पापा के पास देखी है और मेरे ससुर जी के पास भी, जब भी वो लोग ऐसे कोई यू नो किसी को लेने जाते हैं फिर कोई फंक्शन उसमें, तो गाड़ी कैसे पूरे दिन लगे रहता है। मेरे पापा तो दो दिन पहले चालू जाते हैं गाड़ी को चमकाने। आप कॉमेंट करके बताए क्या आपके भी घर पे ऐसा होता है क्या। के जी रेडी है चलने के लिए, मच अवेटेड पिकअप के लिए है ना। बिल्कुल उनका तो इमिग्रेशन 2 मिनट में हो गया। आई थिंक गाड़ी धुलवानी मेरे को भारी पड़ गई। अभी हम तो हमारे घर, आपने सुपरमार्केट के साथ में गाड़ी धुलवाई है? हाँ इतना फास्ट इमिग्रेशन कब से होने लग गया भैया, तभी इतना लेट हो गया। लाल पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं क्या? आपने लेट करवाया। लाल पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं क्या? नीले के साथ आ रहे हैं आजकल, मुझे लग रहा है नीले पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ गई है। मेरे को लेट नहीं होना था, आपने लेट करवा दी बिना बात के, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अब हो गई ग्रीन, चलो यार चलिए। और ये स्काई देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, आई थिंक उन लोगों को बड़े मजे आने वाले हैं कि वाह जन्नत में आ गए। बहुत जमाने पुरानी बात है, शिल्पा ने पूछा अभी कि पहले एयरपोर्ट से भी किसी घर वाले को पिक किया गया, तो मुझे पुरानी दास्तान याद आ गई। मैंने नहीं पूछा आपको, खुद ही अपना दुख याद आया। वो दास्तान यो थी कि मैं पहले ना हाइडलबर्ग से फ्रैंकफर्ट आया था, उस टाइम में मेरे पेरेंट्स आए थे और सुबह कोई बस ही नहीं, और फ्लाइट लैंड कुछ 6:30 ऐसे कुछ बजे कर रही थी, तो सुबह कोई बस और ट्रेन कनेक्शन इतना अर्ली मॉर्निंग मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैं रात को ही पहुंच गया
एक बजे के आसपास पहुंच गया और पूरी रात एयरपोर्ट पे सोया भाई, पूरी रात। पुलिस वालों से भी मेरी दोस्ती हो गई, तब आपके पास ये नहीं थी, वहाँ पे झाड़ू मारने वालों से मेरी दोस्ती हो गई, उस टाइम में गाड़ी नहीं थी गाइस। खुद के पापा मम्मी आए तब तो रात को ही पहुँच गए, और मेरे घर वाले आ रहे हैं तो लेट जा रहे हो। जो जो तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो भैया गाड़ी में लेने जा रहे हैं, यही तो समय समय की बात है शिल्पा, बीवी के घर वालों के लिए सब करना पड़ता है। क्यों आपके भी आएंगे इस बार तो उनको भी गाड़ी में लेने जाएंगे, सेकंड टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिना बात का दुखा जिंदगी का हो गया। I think मैंने ऑलरेडी पापा जी को देखा, वो डी के वहाँ खड़े बता रहे हैं। अच्छा, वही है शायद। हाँ, बट वो डी डिपार्चर तो नहीं है कभी, या डी पिलर नंबर है? पिलर नंबर ही होगा ना यार। ओके, बस 10 मिनट, 10 मिनट की पार्किंग यहाँ पे फ्री है, और उसके बाद 15 मिनट तक लगेंगे, 30 मिनट में 5 यूरो भाई साहब, 30 मिनट के 450 रुपए। तो हम तो जल्दी जल्दी बैग भर के 10 मिनट में निकल जाएंगे। हेलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, हम उधर नहीं जा सकते। I should have gone. आगे हम क्या आते हैं? आगे आगे। Say hello to my vlog. मुझे अबे दीदी आगे आओ। रुक जा। सामान की रखवाली कर रही है। अरे सामान लेके जाना पड़ेगा। हेलो जी, बीमार कैसे हो? से हेलो टू माय व्लॉग। पापा गायब थे फाइनली जर्मनी। चलो सचिन वेट कर रहे हैं। 10 ही मिनट मिले हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए। सचिन विल मेक श्योर नहीं गिरूंगी। ये कुछ अजीब ने ही नहीं, मैं चल चल के। जल्दी चलो सचिन, यू जस्ट हैव 10 मिनट्स, यू जस्ट हैव 10 मिनट्स। पन्ना किधर है अपना? पर्चा तो निकालना ही नहीं। वेलकम टू जर्मनी। ये यही जुगाड़ हो पाया। वेलकम टू जर्मनी हो गया सबका। डांस करेगी क्या? ये दीदी की सेल्फी चालू हो गई है और मेरा व्लॉग तो चल ही रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब गाड़ी में 150 किलो सामान कैसे आएगा। बैग वैसे 6 ही है बट सामान है 150 kg।